फिल्म अभिनेता संजय दत्त के लिए आज का दिन अहम है। सुप्रीम कोर्ट आज संजय दत्त की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगा। संजय दत्त के हक में अगर फैसला आया तो बॉलीवुड के मुन्ना भाई को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले संजय दत्त की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर चुकी है। संजय दत्त को मिलेगी राहत, मुन्ना भाई को मिलेगा छुटकारा। सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद। क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई आज। संजू बाबा की टूटेगी उम्मीद या फिर आएगी खुशखबरी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। संजय के हक में अगर कोर्ट का फैसला आया तो संजू बाबा को राहत मिल सकती है। संजू बाबा के लिए ये कोर्ट से आखिरी उम्मीद है। इसके बाद संजू बाबा के लिए राहत के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले संजय दत्त की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया था। अब क्यूरेटिव पिटीशन ही अंतिम विकल्प है जिसके सहारे उन्हें राहत मिल सकती है। आर्म्स एक्ट के तहत मिली 5 साल की सजा पर फिर से विचार करने के लिए संजय दत्त ने कोर्ट से रिव्यू पिटीशन के जरिए गुहार लगाई थी, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन ही संजू बाबा के लिए अब अंतिम विकल्प है। संजय दत्त को गैर कानूनी तरीके से 9 mm के पिस्टल और AK-56 राइफल रखने के जुर्म में टाडा अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई धमाकों में टाडा कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 6 साल की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया था। इस मामले में संजय दत्त पहले ही 1.5 साल की सजा जेल में काट चुके हैं, जबकि बाकी बची 3.5 साल की सजा उन्हें अभी काटनी है। अगर आज संजय दत्त के हक में फैसला आता है तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।